बॉलीवुड में एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते और उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी की ज़िंदगी उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी पर्दे पर दिखती। यह बात बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर भी लागू होती। कुछ अभिनेत्रियों को पर्दे पर सफल होने से पहले अपने जीवन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले तलाक के बाद इन एक्ट्रेस ने बनाए सफल करियर जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नंबर वन पर मल्लिका शेरावत। अपने बोल्ड ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व और स्पष्ट स्वभाव के बावजूद मल्लिका शेरावत ने शायद ही कभी अपने निजी जीवन पर चर्चा की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने अपने पति करण सिंह गिल को तलाक दे दिया था। हालांकि वह पहले टीवी विज्ञापनों में दिखाई दी, लेकिन तलाक के बाद उन्होंने ख्वाहिश और मर्डर जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि मिली। मल्लिका का निजी जीवन अटकलों का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसे सार्वजनिक रूप से संबोधित नहीं किया। नंबर टू पर माही गिल। माही गिल ने 18 साल की कम उम्र में शादी कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय बाद यह शादी तलाक के रूप में खत्म हो गई। उनकी शादी की अवधि और उनके पूर्व पति के बारे में विवरण एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि माही गिल ने अपने निजी जीवन के उस हिस्से को निजी रखने का विकल्प चुना है। तलाक के बाद ही माही गिल ने अपना ध्यान अपने करियर पर केंद्रित किया और देवडी साहब, बीवी और गैंगस्टर सुमथरा जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। अपनी शादी के खत्म होने के बाद ही माही गिल ने अपने अभिनय करियर में सही मायनों में निखार लाना शुरू किया। नंबर तीन पर कल्कि कोचलिन। जहां अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी से कल्कि की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई और अनुराग के साथ उनका रिश्ता भी शुरू हुआ, वही तलाक के बाद कल्कि ने फिल्म शैतान से दमदार वापसी की। इसके बाद उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मार्गरिटा विट ओस्ट्रो और ये जवानी है दीवानी जैसे फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। नंबर चार पर चित्रगदा सिंह। चित्रगदा एक मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत हजारों ख्वाहिश से ऐसे नाम से फिल्म से की थी। 2001 में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उन्होंने शादी के बाद फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी पहली फिल्म जितनी सफल नहीं रही। हालांकि देसी बॉयज नाम की फिल्म में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। 2014 में तलाक के बाद उन्होंने चित्रकथा ने आओ राजा नाम की फिल्म में स्पेशल डांस किया और फिर पॉपुलर हो गई। फिर उन्होंने साफ भी और गैंगस्टर 3 नाम की फिल्म में अहम किरदार निभाए और लोगों को उनका अभिनय बेहद पसंद है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।